अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम हो गया आप सबको दोस्तों एक न्यू व्लॉग में। और अभी मैं जा रहा हूँ समोसे खाने के लिए, उसके बाद हमने जाना है एक जगह प्लेटिंग करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया वो सबसे पहले फॉलो करें। तो प्लेटिंग करने के लिए हमने जाना है दोस्तों मस्जिद पर। जैसे आप सबको पता है कि 12 रबी अव्वल आ गया है, तो इंशाल्लाह अभी हमने जाना है मस्जिद पर प्लेटिंग करने के लिए। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ। तो अभी मैं पहुँचा दोस्तों इधर ही अपने चौक पर, यहाँ से भाई से जाके समोसे वगैरह खाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, गर्म है समोसे? कितने के लगे हुए? 30 के 2 50। दो लगा दो। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी पहले समोसे खा लूँ, अगर आप लोगों ने खाने हैं तो कमेंट्स में लाजमी कहना, वरना मैं तो खा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों समोसे खाने के बाद फिर मैं दुकान पर आ गया था, और रिजवान का थोड़ा सा काम था वो वहाँ पर चला गया, और मैंने इस मस्जिद की करनी है लाइटिंग दोस्तों, यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पे। बस मिलते हैं आपके साथ थोड़ी देर के। अच्छा दोस्तों ये वाली सीढ़ी मैंने अब लेके जानी है यहाँ पे मस्जिद के साथ, क्योंकि लाइटिंग करने के लिए सीढ़ी ज़रूरत आएगी मुझे ऊपर चलने के लिए मस्जिद के। अब ये वाली सीढ़ी मैं लाइटिंग कर लूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल ही मेरे पास कम है, फिर वापस जाना है, देर हो जाएगी, शाम का वक्त है, फिर दुकान भी बंद। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग कंप्लीट हो गई है मुकम्मल, इस तरफ से भी और यहाँ भी उधर भी सारी। अब यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों लाइटिंग करने के बाद फिर मैं वापस दुकान पर आ गया था, और अभी हम दुकान बंद करके घर जा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको घर जाने के बाद। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रह जाना दोस्तों। अभी हम आ गए हैं अपने घर, और ये है अमानुल्लाह, और ये लगा रहे हैं लाइट की तार कि अभी हम खेलेंगे नेट, और देखना है कहाँ पे तार लगा रहे हैं। इधर बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है? यहीं पे बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों। अभी अमानुल्लाह तार लगा रहा है, अब हम खेलेंगे नेट। अभी वही देख के लगाना, सही सही लगा। और दोस्तों हम यहाँ पर नेट खेलने वाले हैं, मतलब हम रोज़ खेलते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाई है। अभी हमने लाइट वगैरह चालू कर लिया वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये हमारी टीम अभी मतलब आ रहे हैं, और भी लोग आने वाले हैं, फिर हम नेट खेलेंगे। जान क्या कर रहे हो सुबह सुबह? एप्पल खा रहे हो? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह हो गई थी, रात को हम नेट पर चले गए थे फिर। तो अभी मैंने नहा लिया, तैयारी वगैरह कर ली है कम्प्लीट, मतलब शूज़ वगैरह भी ले लिए। और दूसरी बात है खुशखबरी की, ये बात है मैंने कल परसों वाली वीडियो में बताया था कि आप सबको कि वो वहाँ पर पाउच लेने गए थे सेल फोन का, तो वहाँ से मैं पाउच अच्छा नहीं लगा था, फिर हमने दराज से ऑर्डर दिया था। तो आज हमारा पाउच भी आ जाएगा, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, बल्कि उठाते हैं दुकान पर आया हुआ है पाउच, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैं सुबह दुकान पर आ गया था, अभी टाइम होने वाला है पूरे 2 का हो गया, और मुझे भूख फूलने की ज़्यादा लगी हुई थी, मैंने कहा यहाँ से बिरयानी खा लेता हूँ। और दूसरी भी मैंने आपको पाउच दिखाना था अपने सेलफोन का, बिरयानी मेरे दोस्तों आ गई है, और जो मैंने अपने सेलफोन का पाउच दिखाना था वो ये वाला पाउच है दोस्तों। मैंने ये सिंपल वाला पाउच मंगवाया था दराज ऐप से, ये वाला, इसमें नीचे लेदर है यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ से सही मिल नहीं रहते, वो शाइनिंग वाले मिल रहे थे, वो फिर सही नहीं होते, दूसरे दिन या तीसरे दिन ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने अपने सेलफोन का पाउच चेंज कर लिया है। आप लोगों ने तो कमेंट्स में लाजमी कहना, वरना मैं तो खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूख फुल ही ज़्यादा लगी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बिरयानी खाने के बाद फिर मैं वापस आ गया था, और आज बादल वगैरह भी फुल बना हुआ है कि बारिश होने का फुल ही ज़्यादा चांस है माशाल्लाह, मौसम बहुत ही। और दूसरी बात मैंने आपको जो मैंने पाउच लिया उसकी कीमत नहीं बताई दोस्तों, वो आया है 1000 रुपये का। ओए कहाँ लेके जा रहा है भाई? ओए कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो ठीक है, वो एक कस्टमर खड़ा के गया था बाइक मेरी दुकान के सामने, उधर का लेके जा रहा था, मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो, फिर ये ना बाद में वो आए वो कहे कि बाइक मेरी कहाँ गई, फिर हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने दोस्तों आपको कहा था कि आज बारिश आने का फुल ही ज़्यादा चांस बना हुआ है, देखो बारिश आ रही है, और धूप वगैरह भी निकली हुई है और बारिश भी आ रही है माशाल्लाह। रिजवान और मैं आए थे दोस्तों
होटल से चाय लेने। सामने यहाँ पर नहर में एक नाला, वो एक नशैया है, वो पता नहीं इससे क्या हुआ है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए वो नहर में नहा रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा मौसम है, जोन है ना, ठंडा मौसम नहीं है। अच्छा तो इधर आ जाए, मेरे ना दो तीन वीडियो बना ले तो हैं, फिर चलें। वो मेहमान भी बैठे होंगे, उनके लिए भी चाय लेनी थी। थोड़ी देर दोस्तों हम लोग टिक टॉक की वीडियो बना लें वहाँ पर। मौसम बिल्कुल ही माहौल का बना हुआ है, जब आपने देखा था जब बारिश। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, काफ़ी देर के बाद हमने टिक टॉक की वीडियो वगैरह सारी कंप्लीट बना ली हैं, क्योंकि हमारे आए हुए थे दुकान पर कुछ वालिद साहब के मेहमान, तो उन लोगों ने हमें कहा है कि आप जाके होटल से मतलब चाय ले करो, और हमें फुल ही हम यहाँ पर कुछ शूटिंग वगैरह करनी थी, हम यहाँ पर यहाँ के ठहर के टिक टॉक की वीडियो वगैरह बनानी थी। कल हमने व्लॉग नहीं बनाया था, फिर मौसम भी ख़राब हो गया था, फिर हमें टाइम भी नहीं मिला था, और ये छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।